हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के Q3 के रिजल्ट के बारे में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको मंडे के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर आपको 1 डे से 10 डेज में 10% का प्रॉफिट दे सकता है। ऊर्जा ग्लोबल का आज का क्लोजिंग था 9.74 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 28.50 रुपीज़। काफ़ी गिरा है स्टॉक इस क्वार्टर में, जबकि रिजल्ट शानदार आया था इसका Q2 में। तो अब Q3 में रिजल्ट कैसा आया है आइए बताता हूँ। इसका रेवेन्यू दिसंबर 21 में था 24 करोड़ का, जो कि सितंबर 22 में आया 9.37 करोड़ रुपीज़ का, और अभी दिसंबर 21 में थोड़ा बढ़कर आया है 9.70 करोड़ रुपीज़ का। ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है वो घटा है, 24 करोड़ से 9.70 करोड़ आया है, एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा बड़ा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 24 करोड़, 9.40 करोड़ एंड 9.70 करोड़। तो रेवेन्यू ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, दिसंबर 21 में था 31 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट, सितंबर 22 में था 1.06 करोड़ का प्रॉफिट, और अभी दिसंबर 22 में आया है 60 लाख का प्रॉफिट, मतलब 31 लाख, 1.06 करोड़ एंड 60 लाख। तो ईयर ऑन ईयर तो प्रॉफिट बढ़ा है, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर घटा है, इसलिए इस रिज़ल्ट को हम लोग एवरेज रिज़ल्ट कहेंगे। बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट दिसंबर 21 में था 31 लाख का, सितंबर 22 में था 1.06 करोड़ का, और दिसंबर 22 में अभी का लेटेस्ट आया है 60 लाख का प्रॉफिट। तो ये रिज़ल्ट एवरेज ही कहाँ जाएगा, और इसीलिए फ्रेंड्स हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ऊर्जा ग्लोबल में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। डिसीजन आपको लेना है कि इसमें होल्ड करना है या सेल कर देना है, बट रिज़ल्ट को एवरेज कहा जाएगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बढ़त तो देखने को मिली है प्रॉफिट में, बट क्वार्टर क्वार्टर घटा है, एंड क्वार्टर क्वार्टर भी घटता है तो मार्केट उसको निगेटिव ही लेता है। दूसरी बात, प्रमोटर ने अपना होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में घटाया है। जब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बेचा है दिसंबर क्वार्टर में, मतलब पक्का इसका Q3 का रिजल्ट ख़राब आने वाला होगा, और वैसा ही हुआ है, और इसीलिए इसमें आने वाले दिनों में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। डिसीजन आपको लेना है कि इसमें बने रहना है कि एग्ज़िट करना है, बट निकल जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि और गिरेगा तो लॉस बढ़ सकता है। बाकी आप स्टडी करके डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।